हेलो एवरीवन, बच्चों की क्वेरी थी इस चीज़ को लेकर कि सर रेगुलर कोर्स में और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो फुल कोर्स फास्ट ट्रैक है, ये दो कोर्सेस में क्या फ़र्क होता है। देखिए, रेगुलर कोर्स में हम लोग बैकग्राउंड बताते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, उसको फिर रीड करते हैं, थोड़े एग्ज़ाम्पल ज़्यादा होते हैं इसलिए उसमें समय ज़्यादा लगता है, ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स से। लेकिन मैं आपको बता दूं, दोनों कोर्सेस में मटेरियल एक ही होता है, दोनों कोर्सेस में भास्कर बुक से पढ़ाया जाता है, दोनों कोर्सेस में हम शॉर्टकट्स और चार्ट्स पूरे कवर करते हैं, और पूरे चैप्टर्स ए टू जेड, पहले से लेकर आखिर तक पूरे चैप्टर और पूरी जो रेगुलर बुक है उसको ही कवर किया जाता है। सी ए फाइल में रेगुलर कोर्स 45 लेक्चर्स का है और सुपर और 25 लेक्चर्स का आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड, सुपर 25 कोर्स है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स फास्ट ट्रैक बैच है वो। अगर मैं इंटर में बात करता हूँ तो 60 डेज़ का होता है रेगुलर, 60 लेक्चर्स का, और 20 लेक्चर्स का होता है आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक। अब किसने क्या लेना चाहिए, बच्चों के मन में डाउट है। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट काफ़ी वीक है, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, और अगर आपके पास में, ठीक है, अगर आपके पास में डेढ़ महीना है आपके पास, तो मैं बोलूँगा आपने रेगुलर कोर्स करना चाहिए। उसमें जो आपका नज़रिया बदलेगा, उसमें जो आप डेप्थ में जाएंगे, एक अलग लेवल का रहेगा और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपके पास में समय कम है, आप जल्दी चीज़ों कवर करना चाहते हैं, तो फिर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स करिए, ठीक है, सभी फाइनल और इंटर वालों के लिए। और जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, हर लेक्चर का, अच्छा, इन लेक्चर से पढ़ना कैसे, दोनों का तरीका सेम है, रोज़ एक ही लेक्चर देखना है, एक से ज़्यादा लेक्चर आपको नहीं देखना, ठीक है, रोज़ लेक्चर देखना है। आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 2.5 घंटे आपने लेक्चर दिया, ब्रेक लिया, उसका ऑडियो रिविज़न सुनना है, हर कॉन्सेप्ट के बाजू में उसका क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन नंबर, उसके MCQs दिए, उसी के उसी दिन वो कर लेने हैं, ठीक है, और जो डाउट है वो साइट पे पोस्ट कर देना है। ये एकदम रेगुलर रूटीन होना चाहिए। संडे को मत पढ़िए, संडे को सिर्फ राइटिंग डे बनाइए, जितना आप लिख सकते उतना आप लिखिए, करेक्ट, और मुझसे टच में रहिए, जितने मुझसे बात करते रहेंगे, मुझसे डाउट पूछते रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। इसके अलावा ठीक है, अगर आप हमारे पास स्टूडेंट हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि ऑडियो रिवीजन उठाइए और अपने पढ़ाई को फिर से आप लाइन पे लगाइए। हमारा मैराथन वीडियो, फाइनल इंटर के मैराथन वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, फाइनल का प्रोफेशनल एथिक्स हमारे ऑडिट गुरु ऐप के ऊपर सबके लिए अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। और हम लोग फाड़ू के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मैं एकदम कमिट नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग शायद अक्टूबर एंड में हम लोग उसके जो चार्ट रिविजन्स हैं वो चार्ट रिविजन आपके लेकर आए। देखिए, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करिए, क्योंकि वहीं पर मैं सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ, ठीक है।